Hello dear students. So dear students, today we are going to start our diary entry. Okay, we are going to learn how to write a diary. Okay, so what is diary entry? देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई बहुत से लोग हैं डायरी लिखते हैं. क्या लिखते हैं उसमें? पूरा दिन उन्होंने क्या किया, क्या देखा. ओके, सो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पीपल राइट डायरी. डायरी हमारे दोस्त के जैसी होती है. उसमें हम अपनी फीलिंग्स, इंसिडेंट, जो भी हम सोचते हैं, वी कैन राइट दैट ऑल थिंग्स. डायरी इज आवर सीक्रेट प्लेस वेयर वी कैन शेयर आवर इमोशंस अबाउट एनीथिंग. ओके, तो डायरी जो है वो हमारा सीक्रेट होता है. उसमें हम अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स वो सब लिखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल पीस ऑफ राइटिंग. पर्सनल पीस ऑफ राइटिंग यानी कि हमारी खुद की राइटिंग होती है ये. दैट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन थॉट्स. जिसमें क्या क्या होता है? पर्सन के थॉट होते हैं अबाउट अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के बारे में, या किसी इंसिडेंट के बारे में, या किसी प्लेस के बारे में. ओके, तो इसमें हमारे थॉट्स होते हैं किसी चीज के बारे में. द पर्पस ऑफ अ डायरी एंट्री इज टू. तो अब इसका पर्पस क्या होता है डायरी एंट्री का? फर्स्ट इज कीप मेमोरीज अलाइव. देखो, हम अगर डायरी लिखते रहते हैं तो बहुत पुरानी बात को भी हम कभी भी खोलकर देख सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी उस डायरी में रीड कर सकते हैं, ताकि हमारी मेमोरीज हैं जो वो सेफ रहें. अगर हम अपने एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखते हैं तो ऐसे हमारी मेमोरीज है जो सेव हो जाती हैं, अलाइव रहती हैं, जिंदा रहती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लाइटन द बर्डन ऑफ आवर हर्ट. देखो, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अकेला महसूस करते हैं. वी फील लोनली समटाइम्स, वी फील सैड. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी मान लो हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हमारे पास नहीं है, तो हम बहुत ही लोनली फील करते हैं. इन दैट कंडीशन वी कैन लाइटन द बर्डन ऑफ आवर हर्ट. सो कहाँ हम अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हमारे फ्रेंड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं है, तो वेयर विल वी शेयर दैट एक्सपीरियंस, दैट फीलिंग्स? वी विल शेयर दैट फीलिंग्स बाय राइटिंग आवर डायरी. तो इस तरह से जो हमारे हर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट, रिमेन कनेक्टेड विद द स्पेशल एक्सपीरियंसेस. तो अब हम अपनी डायरी में क्या लिखेंगे? जो भी हम स्पेशल इवेंट, स्पेशल एक्सपीरियंस, जो भी हमने पूरा दिन में स्पेशल क्या देखा, उसको हम अपनी डायरी में एंट्री कर लेते हैं. नर्चर क्रिएटिविटी. और इसमें क्रिएटिविटी भी होती है. देखो, एग्ज़ाम में आने का क्या मतलब है आपका इसका? एग्ज़ाम में आने का, एग्जामिनर यही चेक करेगा कि आप कितने अच्छे से लिख पाते हो, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर राइटिंग में, आप कितना क्रिएटिवली लिख सकते हो. ओके, एक बात को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, उसी बात को अगर हम थोड़ा क्रिएटिव बना के लिखें तो डायरी एंट्री में बहुत ही सुंदर काम करता है. ठीक है, तो हम अपनी राइटिंग स्किल में क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं बाय राइटिंग डायरी. नेक्स्ट इज डेवलप न्यू आइडियाज और थॉट्स. तो इसमें हम न्यू आइडियाज और थॉट्स भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टे इमोशनली हेल्दी. देखो, जब हम अपने सारे इमोशंस राइट कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं अपनी फ्रेंड अपनी डायरी के साथ, डायरी हमारी फ्रेंड ही तो है, जब हम अपने सारे इमोशंस अपनी फ्रेंड अपनी डायरी के साथ शेयर कर लेते हैं तो हम इमोशनली हेल्दी रहते हैं. हमारे मन में कोई बोझ नहीं रहता है, कोई बात हमें परेशान नहीं करती है, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को शेयर कर लिया है. तो वी बिकम इमोशनली हेल्दी. नेक्स्ट इज इम्प्रूव आवर सेल्फ बाई लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसिस. इफ वी फेस समथिंग वेरी बैड, अगर हमने कुछ बहुत बुरा फेस किया है, एक्सपीरियंस है हमारे पास कोई बुरा सा, तो हम उससे कुछ सीखते हैं. हमने कोई गलती की है तो वी लर्न समथिंग फ्रॉम आवर पास्ट
experience. बी थैंकफुल फॉर ऑल आवर अचीवमेंट्स और वी शेयर आवर सक्सेस. वी थैंक फॉर आवर सक्सेस फॉर ऑल आवर अचीवमेंट्स. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ मीन्स वॉट इज द यूज ऑफ राइटिंग डायरी यू कैन सी हियर. सो डायरी एक हमारे दोस्त के जैसे होती है जिससे हम जिसमें हम सारे सीक्रेट अपने शेयर कर सकते हैं और अपने आप को इमोशनली हेल्दी रख सकते हैं. Now, in order to make a diary entry effective, the following points must be kept in mind. तो क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए? It should be written in the first person narrative. First person में ही लिखनी चाहिए. देखो, diary हम लिख रहे हैं ना, मैं लिख रही हूँ, तो हम मैं first person है, I, तो हम I का ही use करेंगे diary entry में. I am writing this diary, so I will use first person I only. हमेशा ये फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन ही इसे लिख रहा है. इट शुड मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज. इट इज़ नॉट अ फॉर्मल थिंग. कोई फॉर्मल नहीं है, कहीं हमें भेजना नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं हमें इसे भेजना है. तो ये एक इनफॉर्मल राइटिंग है जिसमें हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. ओके, द लैंग्वेज विच वी यूज विद अवर फ्रेंड्स, विद अवर parents, so we can use that language in diary writing. Next, since it is a secret record, one must be honest while venting out their feelings and emotions. Dear students, our diary, our friend, we share our secret there. तो हमारा एक secret record होता है. किसी को देखो बेटा, ये good habit होती है. अगर हम किसी दूसरे की डायरी देख लेते और हम उसे नहीं पढ़ते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट. ये मैनर्स होती है कि अगर हमने मान लो किसी की डायरी देखी तो हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए. ओके, क्योंकि वो किसी का एक सीक्रेट रिकॉर्ड होता है और उसमें क्या होता है, वन मस्ट बी ऑनेस्ट वाइल वेंटिंग. ओके, वाइल वेंटिंग आउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशन. तो एक जो इंसान है वो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस करता है या बुरा एक्सपीरियंस करता है, ऑनेस्टली वो अपनी डायरी में लिखता है. तो डैट इज़ अ सीक्रेट रिकॉर्ड. ओके, तो हमें डायरी लिखते हुए ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें कुछ भी गलत या झूठ उसमें नहीं लिखना चाहिए. सो दीज वर द पॉइंट्स, वाई डू वी राइट डायरी, वट आर द यूजेज ऑफ राइटिंग डायरी एंड लिखना किस तरीके से चाहिए. दीज थ्री पॉइंट्स वी हैव discussed. Okay, now let's move to the format. So this is the format of writing a diary. On the left side of the page we will write day and date. Firstly write day, comma, then write date. Then we will write time. What will we write? Time. और टाइम कब का, देखो हमें पूरा दिन का एक्सपीरियंस हम कब लिखेंगे अपनी डायरी में, शाम को. सो मोस्टली यहाँ पे कौन सा टाइम होता है, इवनिंग टाइम, 8 PM, 9:30 PM, 10 PM. सो इट इज द इवनिंग टाइम. ओके, सैल्यूटेशन. अब सैल्यूटेशन हम किसको लिख रहे हैं ये डायरी, यहाँ पे हम लिखेंगे डियर डायरी. डायरी इज अवर फ्रेंड where we are sharing our feelings and emotions. So we will write here dear diary. Day and date, time of the evening, dear diary. Then content, body of the diary. Then writer's name means our names. So I hope it is clear to you. Let's move to an example. So first, you are Mohit or Prema, you visit an orphanage. Orphanage yani anathalaya, and spent a whole day with many cheerful orphan kids. And what did you do there? You spent the whole day with the orphan kids, anath bachcho ke saath. Their plight moved you and their varied talents left a deep mark on your heart. Kyunki jo unki jo dayaniya sthiti thi jis pe bahut hi मतलब बहुत ही बेचारे गरीब होते हैं, वो उन पे दया आती है और जो उनके अंदर टैलेंट होता है तो उस तरह का एक जो
मार्क आपके हर्ट पे उसने छोड़ा है, आपके दिल को छू लिया है उनके टैलेंट ने और उसकी दूरदर्शा ने। राइट अ डायरी एंट्री नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द फीलिंग दैट द विजिट इनवोक्ड इन यू। तो व्हाट डिड यू फील आफ्टर विजिटिंग देयर, यू हैव टू राइट दैट। सो इन द फॉर्मेट वी डिस्कस्ड डे एंड डेट मंडे 12 June 2000 something, ओके, देन डे टाइम 9:30 PM, देन लीव अ लाइन, देन सैल्यूटेशन डियर डायरी, देन ओनली वी आर टू लीव लाइन हेयर एंड एट द लास्ट। सिर्फ हमें दो जगह ही लाइन लिखनी है, डियर डायरी के बाद हमें कोई लाइन नहीं लीव करनी है। टूडे आई विजिटेड एन ऑर्फनेज, या फिर मान लो आप डायरी नेक्स्ट डे लिख रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, यस्टरडे आई विजिटेड एन ऑर्फनेज। और ये जो मोस्टली हम कंटेंट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है। श्योर एंड श्योर ये पास्ट टेंस में ही होता है, क्योंकि ये चीज़ें आप देख चुके हो या आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, यू हैड दिस एक्सपीरियंस, सो यू आर टू राइट दिस इन सिंपल पास्ट टेंस। सो टूडे आई विजिटेड एन ऑर्फनेज, आई मेट मैनी किड्स देयर, इट वॉज अ लाइफ अल्टरिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइफ अल्टरिंग मीन्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। देयर चीयरफुल फेसेस फील्ड माई हर्ट विथ इमोशंस, आई कुड फील हाउ बैडली दे अर्न फॉर लव, कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितना प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, यर्न फॉर लव। दे वर वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन, सम ऑफ दैम सेंग सॉन्ग्स फॉर मी, सेम एक्टेड वाइल अ फ्यू रिसाइटेड पोएट्री पेंड बाय देम। तो क्या कह रहे, कुछ बच्चों ने मेरे लिए गाना गाया, कुछ ने एक्टिंग करी और कुछ ने पोएम गाई जो उन्होंने खुद लिखी है, पोएट्री पेंड बाय देम। आई ऑल्सो सेंग एंड डांस्ड विद देम, They were all elated means very happy to have him around. देखो यहाँ पे पूरा हम I यानी first person में लिख रहे हैं। I distributed sweets and stationery supplies. Some of them shared their heart-rending life stories. Heart को दिल दहलाने वाली life stories उसने उनके साथ share करी। They were such painful memories That my eyes moistened, कि इतना उनकी जो दुख भरी कहानी थी जिसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया, my eyes moistened, okay? They lifted my spirits by sharing how the volunteers of the orphanage were kind to them, कि भाई उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑर्फनेज में उनका ध्यान रखते हैं वॉलंटियर है वो कितने काइंड हैं। They showered love on them, प्यार बरसाते हैं उन पे, and treated all kids with utmost care, और सारे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिएटिविटी हम कहीं कहीं देख सकते हैं, पेनफुल मेमोरीज, माई आई इमोशंस एंड showered लव, लव को बरसाते थोड़े ही है ना, लेकिन इसने लिखा है दे showered लव, ठीक है। I pray to God that these beautiful souls get to live a life they dream of. कि मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि ये जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, ये ऑर्फन जो किड्स हैं, ये अपनी लाइफ जी सके दे ड्रीम ऑफ, जैसा कि ये चाहते हैं। I have promised myself to spend a day every month with these kids. I will also encourage my friends to go and spend some time with them, okay? I also plan to organize a donation camp. तो उसने क्या प्लान किया है कि मैं डोनेशन कैंप लगाऊंगा, by means of which I will gather funds for living and education of these kids, जिससे वो उनके एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा कर सकता है। Now it is Prema, okay? So देखो, सी हाउ हर टचिंग दिस डायरी एंट्रीज, ओके, यूज ऑफ वर्ड्स इज वेरी केयरफुल एंड एवरीवेयर आई इज यूज, जो बात बताई जा रही है वो फर्स्ट पर्सन ने ही बताई है, ओके। लेट्स रिवाइज अगेन, डे एंड डेट, टाइम, लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन डियर डायरी, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टूडे और यस्टरडे,
देन यू हैव टू राइट अप टू फ्रॉम 100 टू 120 वर्ड्स एंड देन एट द लास्ट यू हैव टू राइट योर नेम. ओके, सो यू हैव टू रीड द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85. एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन और वर्कशीट ऑफ डायरी एंट्री वर्कशीट 1. You are Rohan or Rhea. You have been appointed as the captain of your school cricket team. Write a diary entry not more than 120 words expressing your feelings. तो आप ये आपको हिंट दिए गए हैं कि आप अपनी डायरी एंट्री में क्या क्या इंक्लूड करेंगे. How you feel, what the appointment means to you, how you disclose the news to your family and how you celebrate it. So this is your homework. You have to write worksheet first and worksheet second. And what is worksheet second? You are Samira or Samir, a student of Bloom's Public School. Your school invited Sachin Tendulkar as the chief guest for a sports event held at the school. You, being the sports captain, got a chance to interact with him personally. तो सचिन तेंदुलकर आपके स्कूल में आया और आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो, तो आपको सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिला है, तो आपको इस एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में एंट्री करनी है. तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर टू इंक्लूड, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू रियलाइज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट हैड नॉक्ड एट योर डोर. कि जब आपको लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सचिन तेंदुलकर से मिलने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही, तो आपको कैसा लगा. हाउ यू फील अबाउट द एक्सपीरियंस नाउ, कि अब मिलने के बाद कैसा लगा. हाउ द लाइव एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉचिंग तेंदुलकर ऑन टेलीविजन स्क्रीन. कि भाई वो रियल में कैसा लगा उनसे बातें करके और टेलीविजन पे आपको कैसा लगता था. सो यू आर टू इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.